बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए. शुरुआत से मैं राहुल से काफ़ी सुन रही हूँ ये स्टोरी के बारे में, और आज रात को हम लोग देखेंगे तो शायद देखने के बाद ही मैं बोल सकूंगी कि फिल्म कैसे था. बट मुझे मैं यकीन करती हूँ कि ये बहुत बढ़िया फिल्म होगा, इंस्पिरेशनल होगा, और वीमेंस एम्पावरमेंट और ड्रीम्स, द फैक्ट दैट एवरीवन कैन फुलफिल देयर ड्रीम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है. और एक छोटी सी लड़की इतना बड़ा चीज़, मतलब यू नो, फियरलेसली अचीव करने में, इट्स एन अमेजिंग थिंग. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. ट्रेलर देखा होगा आपने फिल्म का, जी हाँ. ट्रेलर से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि इस फिल्म को हम निशुल्क अवार्ड या इस तरह की उम्मीद रखें? व्हाट यू शेयर? मुझे तो मैं तो जूरी या जज तो नहीं हूँ, बट मैं यकीन करती हूँ कि ये बहुत बढ़िया फिल्म होगा, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. एंड इट वॉज सो लवली टू मीट पूर्णा, सो आई थिंक आफ्टर वी सी द फिल्म वी विल ऑल यू नो रियली बी इवन मोर एक्साइटेड दैट वी मेट हर. एक आखिरी सवाल, आपके आने वाले प्रोजेक्ट या क्या कुछ कर रही हैं? तो मेरा अभी द तारा शर्मा शो का सीजन 5 स्टार वर्ल्ड पे 2-3 महीने के बाद शुरू होगा, और मैं तो उसमें काफ़ी बिजी हूँ क्योंकि मैं क्रिएट करती हूँ, लिखती हूँ, को प्रोड्यूस करती हूँ और होस्ट भी करती हूँ, तो मैं उसमें काफ़ी बिजी हूँ. क्योंकि आप होस्ट करते हैं तो किस एक सेलिब्रिटी को लेकर अपने शो में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि इनको आना चाहिए? वैसे तो लास्ट सीजन में और हर सीजन में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटी और एंड नॉन सेलिब्रिटी. लास्ट सीजन विराट कोहली, फारा, जॉन अब्राहम, सोनम, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, और हम लोग फैमिलीज़ और पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, और इट्स अ प्लेटफॉर्म टू हेल्प bring about positive change and discuss topical family and parenting issues. So इसलिए जब राहुल ने मुझे पूर्णा को देखने के लिए बुलाया तो मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि we do a lot for women empowerment and the girl child. So I'd be really happy to have Poorna on the show as well. इस बार तो देखना होगा क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें तय किए हैं, जैसे कई गेस्ट जो मैं नाम नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि जब तक वो लोग आएंगे तो मैं कभी यकीन भी नहीं करती हूँ. अभी मैंने देखा कि जब गेस्ट आएंगे शूट करेंगे फिर मैं बताती हूँ, बट बहुत सारे एक्साइटिंग गेस्ट, और ये काफ़ी मतलब सोशल कॉजेज भी हम लोग एड्रेस करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स भी हम डालते हैं शो में. तो मैं चाहती हूँ कि पूर्णा भी एक गेस्ट के तौर पे आए. आई एम जस्ट मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ टू यू नो वॉच इट, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी. पूर्णा यू नो इज एक्चुअली द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड हु हैज क्लाइम्ड यू नो माउंट एवरेस्ट, सो That's just so cool and amazing. So I'm really, really curious to watch this movie and see the whole the story of it. So yeah. And trailer dekha hoga aapne Poorna ka, to kaisa laga aapko trailer uske bare mein? Mujhe to bahut acha laga. So yeah. Yes. Aapko kya laga? Superb. Superb. Good. And इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? जी आई एम डूइंग स्पेशल अपीयरेंस इन नाम शबाना विच इज़ रिलीजिंग नाउ दिस फ्राइडे ऑन 31st ऑफ मार्च. सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. यस आई डू प्रैक्टिस सम हार्डकोर मिक्स मार्शल आर्ट. आई डू या. हाँ, और पूरा गाना पिक्चर में देखेंगे, और उसके बाद आई कांट से मोर, बट या बट आई मीन आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ वंडरफुल टीम टू वर्क विद एंड सो मच फन टू वर्क विद अक्षय सर ऑल्सो एंड या. सो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर द मूवी. इट्स आई मीन आपने तो ट्रेलर देखी है ना, तो कैसा लगा? बढ़िया. वो भी सुपर नहीं, अभी बढ़िया. अच्छा. नाम शबाना इज अ सीक्वल ऑफ बेबी, सो हैव यू वॉच्ड बेबी बिफोर?
Yes, of course I have. Yes. I mean, I watched it when it released. Yeah. Yeah. How was your holiday? Your mom, holiday? वो तो 3 महीने के पहले था ना. उसके बाद बहुत अच्छा था. क्रिसमस का हॉलीडे आप कह रहे हो ना. उसके बाद से आपको मिले नहीं, दिखाई नहीं. हाँ, actually, yeah. वो बहुत बढ़िया था. हाँ. ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ मार्च. अब दिन धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है. आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कुछ नर्वसनेस है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि बहुत ही उम्मीदें हैं इस फिल्म से. रियलिस्टिक पर बेस्ड है ये. मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मैं दोनों एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ. इसलिए क्योंकि कभी मेरे फिल्म्स के लिए मैं ना ही एक्साइटेड रहता हूँ ना ही नर्वस. लेकिन इसमें इसलिए हूँ क्योंकि लग रहा है कि ये फिल्म जितना हमने सोचा था उससे शायद और बढ़ेगा. प्रिंट्स बढ़ेंगे, शो टाइम्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो एक इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया है पिछले 5-6 दिन में. शायद हमारे स्क्रीनिंग्स की वजह से लोगों के बीच में एक बज़ जो कहते हैं, एक बज़ होने लगा है. हमने मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि ये फिल्म कमर्शियल फिल्म है और ये फिल्म जैसे कहते हैं इट टचेस योर हार्ट. लेकिन शायद लोग इसलिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जब इस देश में सिस्टम चलता है तो इस देश से बेहतर कोई देश नहीं होता. शायद ये रिएक्ट करते हैं कि अगर इस सिस्टम के माध्यम से एक आदिवासी लड़की तेलंगाना से एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच पाती है 13 साल की उम्र में, तो आप और हम के लिए सिस्टम क्या क्या नहीं कर सकता है. तो ये इट्स अ बिग स्टोरी ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन. अब देखते हैं, पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम के कोट्स ने या शबाना और जोया जी के कोट्स ने या हमारे आजकल जो स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं उनकी वजह से. लेकिन डेफिनेटली वी आर फीलिंग, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एक्साइटेड. एंड आई थिंक दैट आज से 5 दिन बाद लेट्स सी, इधर आई विल बी स्माइलिंग बोथ वेज. मे बी द स्माइल विल बी छोटा सा स्माइल होगा या बड़ा सा स्माइल. सो व्हेन यू हैव थॉट दैट आई शुड, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ. मैं पूरे क्रू कास्ट और प्रोड्यूसर्स ऑफ नाम शबाना को आई वॉन्ट टू गिव दैम बेस्ट ऑफ लक. आई हर्ड इट्स अ गुड फिल्म. इस इंडस्ट्री में सब के लिए जगह है. सो प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट द एंटायर टीम ऑफ नाम के शबाना, नाम शबाना. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था जो आपने भी कहा. जी नाम शबाना भी आपके साथ जी, उसमें कई सारे स्टार और खास करके उसके साथ बेबी के सुपर हिट होने का एक और नीरज पांडे जैसे. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन जब मैंने आपकी पीआर टीम भी दोनों की एक ही जी और दोनों के प्रेस शो भी बैक टू बैक ही जी, तो ये सारी चीजें आपको या उनसे भी शायद बातचीत हुई होगी कि आगे पीछे कर लीजिए. नहीं कुछ नहीं, नहीं ना ही हमने बात की है ना कुछ ऐसा. कुछ प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है. मेरा दुनिया के बारे में मेरा एक फ़लसफ़ा है कि हर शख्स के लिए जगह है. मुंबई के लोकल ट्रेन में भी जगह मिलता है, थोड़ा सा आपको हाथापाई करना पड़ता है लेकिन अंत में मिल जाता है स्पेस. क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रिकेट के बावजूद स्पेस मिलता है. आजकल 7 खेल के लीग्स होते हैं, रेसलिंग लीग, बैडमिंटन लीग, फुटबॉल लीग, टेनिस लीग, फलाना रेसलिंग लीग. तो फिल्मों में भी देर इज़ प्लेस फॉर एवरीवन. तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है उस नेगेटिविटी से. मैं कभी के बारे में मैं कभी सोचा नहीं हूँ. आई विश नाम शबाना ऑल द बेस्ट. आई विश देम ह्यूज सक्सेस. और उसके साथ में अगर हमारी फिल्म में थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है.